फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ, झक्कास हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और मैं और गप्पू जो है बाहर बैठी हुई हूँ। गप्पू, तुम क्या कर रही हो? अपनी मम्मा को आज कितना मारी? पीछे आज ये लड़की ने मुझे बहुत मारा है। बस मैंने बोल दिया, गप्पू तुमने अच्छा वीडियो नहीं बनाया, उसी पे गुस्सा होकर मुझे बहुत मारी है ये लड़की। मुझे भी मारी है। तुम तो तुम्हें तुम्हें कब मारे जी? अभी मारे। कब मारे? ये देखिए, किसी की बेटी अपनी मम्मा को मारती है, पर ये लड़की मुझे दिन भर मारती है। ये वो मम्मी है। ऑटो आ गया, तुम चली जाओ। तुम जाओ, वो हमें तो दिख रहा है। और आज जानते हैं, हम और गप्पू जो है एक ही कलर का ड्रेस पहने हैं। गप्पू भी ग्रीन, मम्मा भी ग्रीन। गप्पू भी ब्लैक, मम्मा भी ब्लैक। मैं लाल दूंगी। और ये मेरी गप्पू जो हैं खाली अपने दिन भर अपनी मम्मा को परेशान करती है। एक सोएगी तो एक जगह की, तो उसकी मम्मा को तो आराम ही नहीं मिल पाता है, खाली इन लोग को आराम मिलता है। और अब शाम हो गया है, अब नाश्ते की टाइम हो रही है। तो आज हम देखिए नाश्ते में क्या बना देते। तो आज तुम क्या खाओगी नाश्ते में? फ्रूटी खाऊंगी। और फ्रूटी। फ्रूटी? वो तो पापा लाएगा ना। अभी क्या खाओगी? मम्मा क्या बनाए बताओ बताओ। कुछ बना दो। कुछ बना दो? हाँ। कुछ बना देंगे तो कुछ खा लोगी तुम? हाँ। ठीक है, तो लो, तो लो ये कुछ बना दिया मैंने, खा लो। घोंसला चिड़िया का? नहीं। क्यों? तुमने तो बोला तो कुछ भी बना दो मैं खा लूंगी, तो मैंने यही बना दिया, चिड़िया का घोंसला। नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं? फंस जाऊंगी। फंस जाओ तुम। ये छोटी सी जो पिद्दी है ना, बहुत तेज है। देखने में खाली पिद्दी है, लेकिन है बहुत खतरनाक, है ना? ये वाला नहीं कर। इतना तेज गुस्सा करती है कि पूछिए मत। ये नहीं, ये जाओ। अभी देखिए गुस्सा हो गई है, दिखा दो अपना मुँह गुस्सा होके। जब हम बोलते हैं गुस्सा हो जाए तो हंसने लगती है। ये है मेरी गप्पू रानी। दीदी कहाँ है? दादी कमरे में। दादी कमरे में? आर यू मैड? अपना दांत दिखा दो, टित दिखा, टित मम्मा का दिखा जाओ। अच्छा, न्या। मेरी गप्पू ने जो है ये कुर्सी को उल्टा रखा हुआ है। इतनी गंदी लड़की है ये। गप्पू कैसे गुस्सा होकर बोलती बता दो। तुम बहुत गंदी हो, हम तुझे बात नहीं करें कोरी। और ये लड़की दिन भर मुझे मारती है। भूतू बन गई हूँ। भूतू बन जाएंगे ओए तेरी। इस लड़की को तो बट थप्पड़ लगा देंगे। अच्छे से मार खा जाओगे तो फिर गाना गाओगी बैठ के, मम्मा मुझे मारी है। और गप्पू, मम्मा तो सोच रही है कुछ अच्छा बनाने को। क्या खाएगी लाडो मेरी? यहाँ। अच्छा, पूरा कपड़ा गंदा कर ले रही है। इधर देखो, कम हियर कम हियर। ओ माय गॉड, अच्छा ये कुछ सुना दो गाना। कौन सा सुनाती हो? और फ्रेंड, अब हो गया है चाय और नाश्ते के टाइम, तो हम जा रहे हैं चाय और नाश्ता बनाने। जिसको जिसको खाना है आ जाओ जल्दी जल्दी। और मेरे अगर ब्लॉग अच्छे लगते हो तो उसको शेयर कर दिया करिए, कमेंट करिए, लाइक कर दिया करिए। उसको तो पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ आप कर दिया करिए। मम्मा आओ, मम्मा आओ। ये बार को ये गर्मी से बुरा हाल हो रखा है हम लोग। जाऊंगी मैं तो। मेरी गप्पू को गर्मी लग रही है? नहीं। तुम्हें तो गर्मी नहीं लगती है? और तुमको? तुमको तो बहुत गर्मी लगती है जी। क्यों मम्मा? क्यों मम्मा, ये भी कोई पूछने वाली बात है?
सुनो गप्पू, हाँ। मम्मा को ज्यादा प्यार करती हो कि पापा को? और मम्मा को। मम्मा को। मम्मा को? मेरी बेटू खोल मम्मा को। ये जो गप्पू है ना, मतलबी टाइप की लड़की है ये। उसकी बुआ आ जाती है ना, तो ये मुझसे नहीं बात करती है, तो मेरे पास नहीं आती है, खड़ी अपने छोटी बुआ पास रहती है। आती तो हूँ। आती हो? हाँ। धीरे धीरे भूल भूल के आ जाती होगी, तुम्हारी मम्मा भी है। वो निकालूंगी। और ये बहुत गंदी है, इससे कोई बात नहीं करना, सब तुमसे गुस्सा हो जाए, सब तुमसे गुस्सा हो जाए। और अब हम जा रहे हैं क्या करने, चाय बनाने। और चाय बनाएंगे और गप्पू के लिए कुछ नाश्ता बना देंगे। और अगर मेरी गप्पू की दांत कट रही है। अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने, आपको भी ज़रूर दिखाएंगे कि आज हम नाश्ते में क्या स्पेशल चीज़ बना रहे हैं अपने बेटियों के लिए और अपनी सासू माँ के लिए और मेरे लिए भी, हमें भी अच्छा लगता है। तो आज हम कुछ अच्छा स्पेशल चीज़ बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, और आप भी अगर आपको भी अच्छा लगता होगा तो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये मेरी शुग्गू हैं प्यारी सी, और ये जो ऊपर हैं, अरे भाई क्यों नहीं दिख रहा है, और ये जो गप्पू है वो मेरी शुग्गू के ऊपर है, वही गप्पू है, वो बमाष्टी बहुत रोवनी लड़की थी ये। और अब हम जा रहे हैं चाय बनाने, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने किचन में, और हम आज सोच रहे थे आज क्या बनाऊं, तो मुझे याद आया कि घर में सूजी भी अवेलेबल है और दही भी, तो आज हम सूजी और दही और सब मिक्स करके उसका हम आज उत्तपम बनाएंगे। आप लोग को भी अच्छी लगती होगी, मेरे घर में तो मेरे बेटू को, मेरी सासू माँ को और मुझे बहुत ही पसंद है। तो हम लोग जा रहे हैं अब उत्तपम बनाने, और मैं आप लोग को नाश्ता बनाने के बाद मिलती हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं मैंने तवे पर उत्तपम डाल दिया है, मैं सादा बना रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे लोग न प्याज खाते हैं न टमाटर न मिर्च, तो इस वजह से मैंने एकदम खाली नमक डाल के इसको घोल करके उसको उसमें डाल दिया है ताकि बच्चे लोग मेरे खा लें। और जब मैं अपने लिए बनाऊँगी, सासू माँ के लिए बनाऊँगी, तो उसमें प्याज टमाटर मिर्ची थोड़ा सा धनिया मिर्च धनिया पत्ती सब डाल के अच्छा सा बनाऊँगी। ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, पलट दी हूँ, थोड़ा क्रिस्पी बनता है तो अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही सिंपल और इजी है। फटाक से एक घंटे पहले आप सूजी और दही इसको उबाल, दही और सूजी को मिक्स करके रख दीजिए, फिर एक घंटे बाद इसको बनाइए, अच्छा बनता है। और आप देखिए ये उत्तपम जो है तैयार हो गया है, और मेरी बेटू जो है आ गई है इसको लेने, टेक इट गप्पू। वो देखिए कहाँ चढ़ी हो तुम, इसके ऊपर चढ़ गई है, इतनी बदमाश है ना। अब मैं किचन में आ गई हूँ, थी लड़की किचन में आके यहाँ पे उत्पात मचाई हुई है, इतना बदमाशी क्यों करती हो तुम गप्पू? मैं नहीं गिरा दूंगी तुम दही में रबड़ गिरा दोगी, हम तुमको दही में गिरा देंगे। मैं दही में बचाऊंगी। जब बैठ जाओ बचाऊंगी। बहुत पीटेंगे। ये बहुत बदमाश हो गई है, ये लड़की कहीं भी चढ़ जा रही है भाई, देखो इसको अभी गिरोगी ना दांत टूट जाएगा, समझी? हम तो जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं भाई नाश्ता बनाने, और गप्पू जो है यहाँ बदमाशी कर रही हैं, तो इनको आज हम पीटेंगे।